हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मी किचन। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमको पानी को बॉईल कर लेना है। अब ये पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे। ये करीब 2 कप मैंने पास्ता लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे। अब पास्ता को बॉईल कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है। पाँच से 10 मिनट के अंदर ये पास्ता बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं, ये पास्ता टूट रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि पास्ता चिपके नहीं और अलग अलग रहें। अब एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे। अब तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन डाल देंगे, मिर्ची और अदरक डाल देंगे। इसके बाद प्याज डाल देंगे। अब इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। अब इसमें गाजर डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप डाल सकते हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर गल जाए। नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 स्पून सॉस डाल देंगे। अब इसमें पास्ता डाल देंगे। अब इसमें पास्ता मसाला डाल देंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आपके पास ऑरिगेनो हो तो वो भी डाल सकते हैं। पास्ता बनके रेडी हो चुका है।